नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा रिसेंट यूट्यूब चैनल पर। देखिए, फॉर्म भरने के लिए बहुत सारे मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, सर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दें, क्योंकि आपको देखो अभी तो सब पोस्ट अलाउ हो चुका है, आपको मॉडिफाई भी करना है, तो आप कौन सा पोस्ट दें वो ज़रूर देख लेना, कौन से पोस्ट में क्या काम है, कैसे प्रमोशन स्कोप है, सब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। उसे फॉर्म फिल करने से पहले देखो, कोई भी ऐसे ही फॉर्म मत फिल कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको पोस्ट चेंज करने का, तो ज़रूर देख लेना। तो अच्छा से देखो, क्योंकि एक बार जॉब मिल जाने के बाद अगर आपने गलत पोस्ट सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको जो है बाद में पता प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले अच्छा से इस वीडियो को देख लो, कौन सा पोस्ट किसके लिए अच्छा है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कौन सा पोस्ट अच्छा है। तो चलो हम लोग पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब आप एनेक्सर्स ए में आओगे, वहाँ पे आपको पोस्ट पैरामीटर्स दिया हुआ है, मतलब क्या क्या पोस्ट क्या चाहिए वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डिपार्टमेंट भी डिजिग्नेशन दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग को डिजिग्नेशन भी पता है एंड डिपार्टमेंट भी पता है। देखो, ऑलमोस्ट ये सब जो पोस्ट है दैट इज़ लेवल वन, मतलब इनिशियली पहले ग्रुप डी था, अब ये ग्रुप सी हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ग्रुप डी पोस्ट नहीं है, ओनली ग्रुप ए बी एंड सी, ठीक है। तो ग्रुप सी पोस्ट है और ये आपका लेवल वन में आता है, जिसका 18,000 बेसिक पे है। ये बेसिकली जो हम लोग जो काम करते हैं एकदम लोअर कैडर में जो काम होता है वो होता है। इसका प्रमोशन स्कोप भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा प्रमोशन स्कोप नहीं है, इसका प्रमोशन स्कोप भी है। तो लेकिन पहले अच्छा से समझ लो कौन सा हैवी है, कौन सा अच्छा होगा। तो सबसे पहले देखो, ये जो भी आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये जितने भी है, तो आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जैसे वर्कशॉप, एसी, जनरल सर्विसेज, पावर, ट्रेनिंग, लाइटिंग, टीआरडी, टीआरएस, तो आपका अगर इलेक्ट्रिकल में नैक है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल में उतना भारी भरकम काम नहीं होता है, ठीक है, तो आप जो है ये दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं अगर बोलूँगा सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको अगर देना है, तो हम लोग को नीचे में आना पड़ेगा। तो ये देख लो जो मैं बोलूँगा, ऑब्वियसली देखो, पहले हेल्पर, मेडिकल, हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ठीक है, उसके बाद टेलीकॉम, सिग्नल, ये जो है, एंड गेटमैन ऑल्सो, ये अभी मत देना लास्ट में, क्योंकि इसमें स्वीपर भी इंक्लूडेड है, तो थोड़ा सा गंदा सा काम है, तो ज़रूर मैं नहीं बोलूँगा आप लोग अगर कोई ग्रेजुएट हो ये वो ये पहले ही भर दो, ये ज़रूर भरना, लेकिन मेरा सजेशन है आप ये लास्ट में भर दो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो देना है दैट इज़ अगर आप मेडिकल पहले दे दो, अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, गेटमैन, हेल्पर, सिग्नल, हेल्पर, टेलीकॉम, ठीक है, ये पहले सबसे पहले ये पोस्ट को आप दो दो, अगर आपका वहाँ पे रीजन में ये सब पोस्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एसएनटी वर्कशॉप एंड हेल्पर एसएनटी देना है, ठीक है, ये बहुत अच्छे पोस्ट हैं, ठीक है, इसमें हल्का काम होता है, उतना नहीं है। फीमेल के लिए ये सभी पोस्ट जो है आप दे सकते हो, ये उतना प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको देना है, देखो मैकेनिकल नहीं देना है आपको, उसके बाद आपको जो देना है दैट इज़ ये इलेक्ट्रिकल के पोस्ट जितने भी हैं वो दे दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में भी आप कैसे करोगे, तो आपको पहले एसी का दे दो, उसके बाद पावर, जनरल सर्विसेज, ट्रेन लाइटनिंग, टीआरडी, टीआरएस, उसके बाद वर्कशॉप दे दो, ठीक है। तो ये पोस्ट आप दे सकते हो प्रेफरेंस। उसके बाद आपको जो देना है दैट इज इंजीनियरिंग देना है और मैकेनिकल देना है, ठीक है। तो आप लोग अगर हम लोग इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल देख लें, तो आप ये सब पोस्ट जो है दे सकते हो। जैसे अगर आपको ब्रिज में, सिविल वर्कशॉप, पीयूए, ट्रैक मशीन वर्कशॉप, ये जो भी है ये ऑल इंजीनियरिंग पोस्ट है, उसको आप दे दो। उसके बाद आप जो है मैकेनिकल, ये आप मैकेनिकल पहले दे दो, उसके बाद इंजीनियरिंग पोस्ट दो। इसको देने के बाद लास्ट जो है मेरा सजेशन हमेशा रहता है, ये पॉटर दे सकते हो। देखो पॉटर में क्या है, ये सिर्फ ये स्वीपर कम पॉटर, ये वाला पोस्ट ही, जो नॉर्मल जो पॉटर है उसमें उतना कुछ काम नहीं होता, वो आप दे सकते हो, ठीक है, हैमल एंड पॉटर जो है, लेकिन वही है थोड़ा सा आपका स्वीपर वाला मिल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। तो ये पोस्टें हैं जो अच्छे से देख लो, ये प्रेफरेंस ज़रूर देना, मैंने जैसे कहा, क्योंकि फिर बाद में जो है आपको चेंजेस करने में नहीं भी मिल सकता है, तो प्रेफरेंस अच्छे से देख के उसके बाद ही आप भरना। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर हम लोग नंबर वन से स्टार्ट करें, तो देखो सबसे पहले आपने ये देना है हेल्पर, मेडिकल, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये दो पोस्ट सबसे पहले देना है, ठीक है। उसके बाद आपको हेल्पर टेलीकॉम, हेल्पर एसएनटी, हेल्पर एसएनटी वर्कशॉप, हेल्पर सिग्नल, ये देना है। उसके बाद असिस्टेंट पॉइंट्समैन, गेटमैन देना है, ठीक है। ये आप देने के बाद ये आप प्रेफरेंस दे दिए, उसके बाद फिर आप पूरा जो है इलेक्ट्रिकल का दे दो, पूरा इलेक्ट्रिकल दे दो, उसके बाद आप पूरा मैकेनिकल दे दो, उसके बाद आप पूरा मैकेनिकल दे दो, मैकेनिकल देने के बाद आप फिर जो है ये पूरा मैकेनिकल दे दो, ठीक है। तो मैकेनिकल में भी आप ये वाला दे दो, डीजल इलेक्ट्रिकल पहले दे दो, डीजल मैकेनिकल पहले दे दो, फिर पावर, फिर मैकेनिकल, फिर कैरिज एंड वॉगन, ठीक है। उसके बाद आप जो है
इंजीनियरिंग का दे दो, इंजीनियरिंग में ये पूरे पोस्ट आते हैं। इंजीनियरिंग में भी मेरा कहना है ये सिविल वाला पहले दो, ट्रैक मशीन मत दो, वर्कशॉप दे दो, ट्रैक मेंटेनर मत दो, उसके बाद ब्रिज दे दो, सिविल वर्कशॉप पी वे, उसके बाद अब ट्रैक मशीन एंड ट्रैक मेंटेनर ग्रेड फोर ये वाला दे देना, ठीक है गाइस। तो ये ज़रूर फॉर्म फिलअप कर देना, नहीं तो फिर आपको जो है बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। और सब ठीक है, तो चलो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सभी के साथ शेयर करो, सुधर सभी गलती ना करें। और जो है बने रहिए हमारे चैनल में, आपको पूरा रेलवे का प्रिपरेशन मिलेगा, करंट अफेयर्स हो रहा है, साइंस हो रहा है। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।